अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द पार्ट टू। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लाहौर से आगे का सफ़र, जो कि हमारी डेस्टिनेशन तक जाएगा मालम जब्बा, और फिर हम वापस कराची भी आएंगे इसी ब्लॉग में। खैर, हमने लाहौर को एक्सप्लोर किया, उसके बाद हम निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए। हम यहाँ से जा रहे थे, पहले हमने स्टे किया इस्लामाबाद में, एक नाइट का हमने वहाँ पे स्टे किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था और हम कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग पे थे, हमने कहीं पे ज़्यादा इतना स्टे नहीं किया था। तो फिर हम यहाँ से लाहौर के बाद हमने रुक किया इस्लामाबाद का, और बस हम इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पे हम एक नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद हम किसी और के घर रुके थे, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं ब्लॉग कर सकती थी, शूट कर सकती थी, तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। फिर बस हमने वहाँ स्टे किया और अगली सुबह 7 बजे के करीब हम वहाँ से निकल गए, और बस हमारा आगे का सफ़र शुरू हो गया था। बस यहाँ पे आपको रोड्स ही रोड्स नज़र आएंगे, चलते ही चलते जाएंगे, समझे। हमने एक वीक में पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर लिया, मतलब आने और जाने का सफ़र हमारा पूरा एक वीक का था। हम फ्राइडे नाइट को गए थे, थर्सडे नाइट को हम निकले थे, और थर्सडे नाइट ही हम घर वापस आ गए थे। रास्ते में बहुत खूबसूरती नज़र आती है, पता चलता है कि वाकई हमारा पाकिस्तान कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि जब आप देख रहे होते हैं कि आपका मुल्क कितना खूबसूरत है और आप इसे दुनिया को दिखाएंगे, तो आपको प्राउड मोमेंट फील होगी। और मैं बस हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ है मालम जब्बा, और यहाँ हम एंटर होने वाले हैं केपीके में। केपीके टनल आ चुकी है और यहाँ पे हम एंटर हो गए थे, और केपीके में एंटर होते ही वहाँ की जो डेवलपमेंट है वो नज़र आ रही थी कि हुकूमत ने वाकई कितना काम किया है कि आपके जो टूरिज़म है वो बढ़ता है, और जब टूरिज़म बढ़ता है तो आपके मुल्क की इकॉनमी भी बढ़ती है, आपके जो है वो लोग एक्सप्लोर करने आते हैं मुल्क को, तो ये एक अच्छा चीज़ है, अच्छी पॉइंट है, इसको बाकी अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमारी सिंध की हुकूमत को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा वर्क करें सक्कर मोटरवे पे। खैर, यहाँ पे हम केपीके के आगे चल पड़े थे, और हम यहाँ पे एक पॉइंट पे रुके, मालूम जब्बा से कुछ करीब ही था ये, क्योंकि ऊपर जाके पहाड़ आ जाते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ लेने में प्रॉब्लम होती, तो हमने अपने साथ सिलेंडर भी कैरी किया हुआ था ताकि हम कहीं पर भी रुक के कुछ भी बना सके अगर हमें खाना अवेलेबल नहीं होता, कहीं नहीं मिलता। तो हमने रुके यहाँ पे, चिकन ले ली थी और कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह जो रिक्वायर्ड होती हैं कढ़ाई बनाने के लिए, बस हमने वो ली। हम होटल पहुँचे, यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने चाय बनाने रख दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकर हो चुकी थी और चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी। बस यहाँ पे चाय पकने रखी है, ये हमने होटल के हीटर पर रख दी थी, और यहाँ पर हम कढ़ाई बना रहे थे और दही मैं साथ साथ खा रही थी। बस ये कढ़ाई हमारी तैयार होने वाली है, इसके बाद हम खाने पीने के बाद मैं आपको अपना रूम टूर भी दूँगी। और मालम जब्बा जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ हम पहुँचे तो बर्फ़बारी तो रुक चुकी थी, पहले से हो चुकी थी बर्फ़बारी, लेकिन स्टिल ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और बस इस चीज़ का यहाँ का एक मुझे पॉइंट पसंद नहीं आया है कि यहाँ खामोशी बहुत ज़्यादा है, रात के टाइम आपको बहुत डर लगेगा, बहुत खौफ आता है, और जब होटल वाले UPS जनरेटर सब बंद करते थे तो उस टाइम तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था। खैर, मज़ा बहुत आया है, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत जगह है, इसको आप गर्मियों में जाके एक्सप्लोर करें तो यहाँ ग्रीनरी मिलेगी आपको, और सर्दियों में टाइम अगर आप जाते हैं तो फिर यहाँ पे बर्फ़ की चादर बिछी हुई होती है। फिर हम यहाँ से निकल गए थे वापसी की तरफ, और यहाँ हम फिज़ागढ़ एक पॉइंट है, वहाँ पर रुके, हमने यहाँ पे अपना कैंप लगाया, पॉपकॉर्न बनाए, और थोड़ा सा हमने इंजॉय किया दरिया को, और दरिया का पानी बहुत फ्रेश और ठंडा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस हम यहाँ से फिर निकल गए, ये ब्लॉग मैंने जल्दी जल्दी वाइंड अप किया कि इसमें हमारे पास ज़्यादातर रोड्स की ट्रैवलिंग की ही वीडियोस हैं, तो बस इसलिए मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। बस हम घर की तरफ रवाना हो गए थे, इसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद, वहाँ पे हमने एक नाइट स्टे किया, और फिर हम वहाँ से भी निकल गए कराची की तरफ। यहाँ हम इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, बस हम फैसल मस्जिद जाएंगे, हमने यहाँ के फेमस पॉइंट्स देखे, और फिर हम जो है नेक्स्ट डे कराची की तरफ निकल गए। बहुत मज़ा आया इस टूर पे, और मैंने बहुत कुछ सीखा, एक्सप्लोर किया, और वापसी में मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी तो मैं वापसी का व्लॉग कर ही नहीं सकी। बस यहाँ पे हमारे पास एक ये वीडियो है, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।